दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप स्नैपचैट ऐप में बिटमोजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका एक पर्सनल इमोजी भी होता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभ्यास मंजू और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिटमोजी का, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा क्रिएट माय अवतार, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक मेल का और एक फीमेल का। तो हम यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फेस अगर आप यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, हमें सिर्फ इमोजी क्रिएट करना है। तो स्किप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्किन टोन, हम यहाँ पे स्किन टोन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हेयर कलर, तो हेयर कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे हेयर स्टाइल है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट, तो ये सब सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है फेशियल हेयर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा फेशियल हेयर कलर, सेलेक्ट कर लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आई शेप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद और भी कुछ कुछ ऑप्शन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई साइज है, उसके बाद आपका यहाँ पे आई स्पेसिंग है, तो ये सब सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे आईब्रोज, तो हम लोग यहाँ पे आईब्रोज सेलेक्ट कर लेंगे। आईब्रो के बाद यहाँ पे नोज है, तो हम यहाँ पे नोज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जॉ, तो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है माउथ, तो माउथ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद है ईयर्स, तो ईयर सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा चीक का, तो ये भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कुछ ऑप्शन है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आई लाइंस वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बॉडी टाइप, तो बॉडी टाइप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद है बॉडी के टाइप के बाद आई शेडोज, तो यहाँ पे आई शेडोज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद और भी कुछ कुछ ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्लासेस, तो हम यहाँ पे ग्लासेस सेलेक्ट कर लिए। ग्लासेस के बाद आपका यहाँ पे है हेडवेयर, तो हम लोग हेडवेयर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे आउटफिट का, तो यहाँ पे आउटफिट भी सिलेक्ट कर लिए। आउटफिट के बाद और भी कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे आपका टॉप्स वगैरह अगर देना है या फिर आप यहाँ पे बॉटम्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ड्रेसेस भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका फुटवेयर है, तो फुटवेयर भी सिलेक्ट कर लिए हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आउटवेयर, तो आउटवेयर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका और भी कुछ कुछ ऑप्शन है क्लॉथ्स वगैरह। उसके बाद हमें ओके कर देना है और यहाँ पे सेव अवतार में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव अवतार में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बिटमोजी है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे चेंज माई आउटफिट, अगर हम अपना आउटफिट चेंज करना चाहते हैं बाद में तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट माई बिटमोजी, अगर बाद में आपको बिटमोजी को एडिट करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपना सेल्फी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट सेल्फी में क्लिक करके आप अपने फेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप में आप अपनी बिटमोजी को क्रिएट कर सकते हैं स्नैपचैट ऐप में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।